हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपोलो टायर्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत यहाँ पे हाइलाइट्स, फिर आते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि यहाँ पे किन लेवल्स पे बाय करके यहाँ पे क्या टारगेट्स लिए जा सकते हैं। मार्केट कैप वाइज देखो तो यहाँ पे 26,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक की पी 25 के आसपास है और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 70 के आसपास है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू हम लोग को कंपनी के अंदर मिल रही है। कंपनी नाम ही तो सजेस्ट कर देती है कि टायर्स बनाती है। अब टायर्स के अंदर एक ट्रेंड पूछोगे तो देखो टायर्स के अंदर ट्रेंड इन्होंने ऐसे निकाला है कि फिलहाल अभी जैसे कि ईवी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है और कहा जाता है कि ईवी यहाँ पे बहुत तेज़ी से उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी और कार्स की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि ईवी थोड़ी सी हैवी व्हीकल्स होती हैं, मतलब कंपेयर टू हम लोग की डीजल और पेट्रोल इंजन कार उससे थोड़ी सी महंगी होती है। तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक टायर की लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगी और इसलिए टायर कंपनी की सेल्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो कार का कंजम्पशन बीच में जो थोड़ा सा कम हुआ था वो दोबारा थोड़ा बहुत आपको अप ट्रेंड के अंदर जानते हैं मिलेगा, क्योंकि इकॉनमी की सिचुएशन ओवरऑल हमें लगता है कि इस जुलाई के बाद इंटरेस्ट रेट कम होगी और थोड़ा बहुत इकॉनमी थोड़ा सा अपना जो बैकबोन है उसको सीधा करेगी और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। अगर इसके बाद भी नहीं जाती दिसंबर तक के अंदर मार्केट ऊपर, तब आप लोग समझ जाना कि इकॉनमी के अंदर, वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर कुछ सीरियसली प्रॉब्लम है, तब वहाँ पे हम कहेंगे कि आप कॉशियस हो जाइएगा थोड़ा सा। ये आप लोग अर्निंग्स वगैरह का वेट करोगे तो इस हिसाब से तो देखो थोड़ा सा लेट हो जाएगी। अभी फॉलो करो आप लोग चीज़ें ट्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो कंपनी की ठीक ठाक है। मेरा हिसाब है कि यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और अपने पीएस पे कंपेयर करेंगे तो वही चीज़ आपका नजर आएगी। गुड ईयर इंडिया को छोड़ दो तो बाकी सारे का यहाँ पे यही है। मीडियन आरओई 9 का मिलेगा आपको और आरओसी 10 का मिलेगा। उस हिसाब से देखो तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही ठीक है। मार्जिन कंपनी 4% की कमा रही है और सेल्स यहाँ पे 3 साल का एवरेज 14% है। यहाँ पे नीचे आओगे तो डेट और रिजर्व्स में देखोगे तो डेट्स यहाँ पे कंपनी के रिजर्व से आधे हैं, तो अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है इन्होंने। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस पे बढ़ा अभी तक। 2012 से 2023 के अंदर देखोगे तो सिर्फ डबल हुआ है और काफ़ी लंबा पीरियड होता है 2012 से 2013 था। अब यहाँ पे मार्जिन देखी जाए तो मार्जिन के अंदर स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइस पे, तो वो नेट प्रॉफिट आप लोग ऐसे मत समझना कि स्टेबल रहेगा यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ परसेंट मार्जिन ऊपर पुश किया है इन्होंने। अब नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग को बढ़ते हुए मिलेगा 410 से 1,100 करोड़ के आसपास। फिर से नीचे आता है यहाँ पे आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, FIs की होल्डिंग बढ़ी है, DIs की होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग 2% से बढ़ी है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे देखेंगे यहाँ पे इन वाले लेवल्स पे ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके बारे में, उसके बाद कंपनी थोड़ा सा ब्रेकआउट देकर साइडवेज गई, यहाँ पे एक बेस क्रिएट की और उसके बाद से एक रनअप हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए जो बाय करके रखा है उनको क्या करना चाहिए और जो पोजीशन नहीं बनाया उनको क्या करना चाहिए? देखो जो बाय किया है स्विंग ट्रेड पर्पस से जो बाय किया था, हमें लगता है कि यहाँ पे कंपनी एक अच्छी खासी रैली दे चुकी है ऑलरेडी। और जो नहीं बाय किया है यहाँ पे, अगर आपको बाय करना है फिलहाल तो थोड़ा सा हमें लगता है कि वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर एक रनअप आ चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा हो सकता है पॉज लेने के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन में आपको रनअप दे। अभी फिलहाल ये देखो तो ये चार कैंडल्स भी लगातार बनी है, लगातार गैप अप खुली है। उसके बाद इस वाले कैंडल पर अगर फोकस किया जाए तो इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग पोजिशन पर हुई है यहाँ पे इन वाले कैंडल्स के नीचे, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पुल बैक ले सकती है कंपनी। नेक्स्ट टारगेट कंपनी का 398 वाले लेवल्स तक का हो सकता है, और अगर इनके बाद भी अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस जोन में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है और प्रॉफिट में जाने के लिए आपको फिर थोड़ा सा समय लग जाएगा। और रही बात पुराने जो पोजीशन यहाँ पे स्विंग ट्रेड के रीजन से बाय करके रखे थे, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाय किया उनको डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो यहाँ पे बाय करना चाहता है नेक्स्ट, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लग रहा होगा कि बहुत सारा बोल रहा है ये, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को बस इतना देखना है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करना है कि इस वाली जो करंट डिप का थोड़ा जितना बहुत भी नीचे आएगा यहाँ पे आप लोग बाइंग करनी स्टार्ट कर दो। तो इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, किसको कहाँ पे बाय करना है वो रिवाइंड करके देख लेना, थोड़ा सा तेजी में बताया हमने। ओके बाय।